फर्स्ट लेक्चर सेल यूनिट ऑफ लाइफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइटोलॉजी डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग को हम लोग इन एनिमेट भी बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स, सम मेड ऑफ वन सेल, अदर मेड ऑफ मेनी सेल्स। जो एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बना होता है उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। लिविंग मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर होता है वो परफॉर्म करता है सारा एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ का, और वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंस भी होता है। और एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वायरस किसी का शरीर में जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तभी वो लिविंग होता है, नहीं तो वो नॉन लिविंग ही होता है। इसीलिए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। तो ये असर्शन रीज़न भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते डिस्कवरी का। पहले आए हम लोग के रॉबर्ट हुक, जो कोक बार्क में देखे थे फर्स्ट सेल जो डेड था, जिनको वो बोले सेलुला। इन माइक्रोग्राफी बुक में वो लिखे थे, और उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है, जो स्टडी ऑफ सेल किए थे सबसे पहला। दूसरा है एंटोन वॉन लीवेनहॉइक, जो देखे और डिस्क्राइब किए फर्स्ट लिविंग सेल, जिसमें बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोवा, आरबीसी, स्पर्म ये सब रहता है। तीसरे नंबर में आए रॉबर्ट ब्राउन, जो डिस्कवर्ड किए न्यूक्लियस 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एन है लास्ट में, एन से न्यूक्लियस हो जाता है, और एंटोन वॉन लीवेनहॉइक में एल से लिविंग हो गया, तो फर्स्ट लिविंग सेल। सेल थ्योरी में मेथिकस सिलिडिन आएंगे और एक ठो स्वान आएंगे। स्वान मतलब होता है संस्कृत में डॉग होता है, डॉग, ठीक है, स्वान मतलब डॉग होता है संस्कृत में। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलिडिन में जर्मन बुटानिस्ट थे वो, 1838 में वो थ्योरी दिए थे, और वो जर्मन बुटानिस्ट थे, और 1839 में ये स्वान दिए थे, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट कैसे याद रखेंगे हम लोग, कि स्वान मतलब डॉग होता है, स्वान मतलब डॉग होता है, तो डॉग किस में आता है? जूलॉजिस्ट, जानवरों में। और इंग्लैंड वालों लोग को डॉग पसंद नहीं थे, तो इसलिए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। वो स्टडी किए थे एनिमल्स पे, और जो जर्मन बोटानिस्ट थे, जो सिलिडिन थे हम लोग के, वो बोले थे कि प्लांट्स बॉडी बना हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, टिश्यू से बना हुआ है। और स्वान बोले थे कि जो एनिमल सेल्स है वो थिन होता है, आउटर होता है, कवरिंग होता है, और लेटर कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या क्या बोले थे? सेल वाली से यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। और बोले थे बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज ऑफ सेल्स, सेल प्रोडक्ट। सेल थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। अब आता है कि ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ये दोनों ने सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन ये लोग का एक तो ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था? कि सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज। तो इसको रूडोल्फ विर्चौ ने बताया 1855 में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये PYQ है। और रूडोल्फ विर्चौ जो थे वो बताएं कि ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी ऑफ सिलिडिन स्वान, ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, मतलब सिलिडिन स्वान का सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किए और फाइनल शेप दिए सेल थ्योरी को। और हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल का अगर बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर
एब्सेंट होता है डेंस में, ठीक है। यूकेरियोट सेल में प्रेजेंट, ये प्लस का मतलब प्रेजेंट और ये माइनस का मतलब एब्सेंट। तो डीएनए लाए नेक्स्ट इन साइटोप्लाज्म और डेंस न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है यूकेरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है लेकिन यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दोनों में प्लस होता है, मतलब कि दोनों में प्रेजेंट होता है लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S मिलता है और लेकिन इसमें यूकेरियोटिक में 70S ही मिलता है, 80S ही मिलता है। 80S इन साइटोप्लाज्म ऑन RER में और 70S इन माइक्रोकॉन्ड्रिया इन और इन प्लाज्मिड्स में भी। और जो साइटोप्लाज्म है हम लोग का, ये जो 5 ml साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ऑक्यूपाइज होता है वॉल्यूम ऑफ सेल में और मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो है मेन एरिना होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल का। वेरियस केमिकल रिएक्शन ओकर्स इन नीड टू कीप द सेल्स इन लिविंग स्टेट, जिसको हम लोग मेटाबोलिज्म भी बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर फिजिकल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर फिजिकल आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। प्लांट सेल्स एनिमल सेल, प्लांट सेल अगर हम देखें तो एग्जांपल अगर ले प्लांट सेल में तो ओनियन पिल लेते हैं, ओनियन पिल एक सेल लिए, ठीक है, और उसका ऊपर से सेल वॉल कर दिए। तो ये हो गया आउटर बाउंड्री जिसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे हैं और जो अंदर वाला है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इनर टू सेल वॉल। अगर हम लोग एनिमल सेल का बात करें, ह्यूमन चिक सेल, हम लोग गाल, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो डीलिमिटिंग है और इसमें हैव सेंट्रिजोम है। सेंट्रिजोम किसको बोलते हैं, जिसमें दो सेंट्रियोल्स होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और हम लोग को पता है कि सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज़, सेल्स वेरी करता है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। जैसे माइकोप्लाज्म PPLO भी बोलते हैं, थ्योरी में हम लोग देखेंगे अगर एनसीईआरटी बुक में तो 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है लेकिन अगर वही हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। दूसरा अगर हम बैक्टीरिया बोलेंगे, बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है लेकिन हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ह्यूमन RBC में 7 माइक्रोमीटर डायमीटर दिया हुआ है। नर्व सेल में सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स बोला गया है। ऑस्टिस एग में लार्जेस्ट सेल बोला गया है। टाइपिकल यूकेरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर डायग्राम में दिया हुआ है। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर डायग्राम में दिया हुआ है। इंसेटिव बुक का डायग्राम में दिया हुआ है। शेप ऑफ द सेल वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ सेल। RBC राउंड होता है बाय कंकेव होता है, ठीक है। अगर हम लोग याद करने का ट्रिक देखें तो RBC, R से राउंड, B से बाय कंकेव, WBC MOEBA जैसा होता है, उसलिए इसका नाम है MOEBOID। अब कोलुमनर एपिथेलियम कैसा है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्ग है और नेरो है, ठीक है, लॉन्ग एंड नेरो है। अगर नर्व सेल का बात करें, नर्व सेल लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं ये लॉन्ग है और ब्रांच है। ट्रेकिया, ट्रेकिड में अगर देखें तो इलोंगेटेड होता है, देखिए डायग्राम ऐसा। अगर भैया मीसोफिल सेल में देखें तो राउंड होता है, ओवल होता है, देखिए सर्कल टाइप का है, ओवल टाइप का है, तो राउंड और ओवल। और बोला गया है कि जो ये है वो डिस्क लाइक भी हो सकता है, जो सेल है ना वो डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल से भी हो सकता है, कोलुमनर भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है और इवन इरेगुलर भी होता है। तो यही फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट होता है और ये आप लोग ठीक से, अगर ये बहुत अच्छा नोट्स है, ये PYQ इसमें है, नीट जिसका जिसको हम हाईलाइट कर दिए हैं वो नीट में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। और इसमें देखिए PYQ लिखा हुआ है और इसका बाद एक तो क्वेश्चन का वीडियो आएगा जो नीट में पूछा गया है, फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है।